रमेश, रमेश भाई सुनना यार, बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है यार मेरे को। मंडे से पेपर चालू होने वाला है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया यार। कल के दिन संडे के दिन जो है शादी है यार। हाँ, शादी भी अटेंड करना है, पेपर का पढ़ाई भी करना है, मंडे से पेपर चालू होने वाला है, कुछ भी नहीं समझ रहा है यार। जरा बोलना भाई, कुछ तो सजेशन दे यार, कुछ तो सजेशन दे प्लीज भाई, हेल्प कर भाई। क्या बोला तू, क्या बोला, तूने पढ़ाई नहीं की? किसी और को बना जाके, मुझे मत बना। बोलो इसको, मुझे पागल बना रहा है। हर यूनिट टेस्ट में, पिछले जो यूनिट टेस्ट हुए, हर यूनिट टेस्ट के अंदर 14-15 मार्क्स मिले इसको, 14-15 मार्क्स। किसी अब पढ़ाई नहीं किए हुए बच्चे को मिलते हैं क्या 15 में से 14? बोलो इसको। कुछ भी बोलता है यार, पढ़ाई नहीं की है मैंने, टेंशन आ रहा है मेरे को। किसी और को बना जाके, वो सोलापुर के बच्चों को बना जो तेरे साथ नहीं रहते। मैं 24 घंटे इसके साथ रहता हूँ, मेरे को ही बना रहा है, झूठा साला। अरे भाई तू एक यूनिट टेस्ट के बारे में बात कर रहा है? यूनिट टेस्ट कितनी इजी थी यार, उसमें तो 14-15 सबको मिले, और किसने कितना ऑनेस्टी से एग्जाम लिखा है, ऑनलाइन एग्जाम लिखा है, सबको पता है। कुछ भी मत बोल भाई। और ये फाइनल पेपर है, यहाँ पर कुछ भी करने नहीं आता यार। कल का मेरा रिएक्शन कैसा होगा मंडे का, वो तुझे मैं गाना गा के सुनाता हूँ, रुक 2 मिनट रुक। बोला तुमने, क्या बोला, सबको अच्छे मार्क्स मिले? हमें तो नहीं मिले यार भाई, लोग मुझे सिर्फ 4 मार्क्स मिले हैं 2 पेपर्स में, 2 पेपर में 6 मार्क्स मिले और 2 पेपर में 7 मार्क्स मिले। कुछ भी बोलता है, पढ़ाई नहीं किया होता तो इसको इतने ज्यादा मार्क्स मिले होते क्या? हमने भी पढ़ाई नहीं की थी भाई, हमें तो अच्छे मार्क्स नहीं मिले। कुछ भी बोल मत भाई, झूठ मत बोल, किसी और को जाके बना, मुझे मत बना तू। और टेंशन मिंशन की कोई बात नहीं रहती। गा के सुनाता हूँ तेरे को, गा के सुना, बता तेरा रिएक्शन कैसे रहेगा मंडे के दिन, झूठा। कुछ भी बोलता है, तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? पागल हो गया क्या यार? मैं अभी क्लास के बच्चे बोलने दो यार, वो सोलापुर में रहते हैं, तू तो मेरे साथ रहता है यार, मेरे घर का खाना खाता है और साले मेरे साथ ही गद्दारी करता है। मैंने कब पढ़ाई की भाई? अरे पूरा दिन तो वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट में बैठा रहता था मैं, वीडियो काटने के लिए। यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस बनाए, कॉमेडी वीडियोस बनाए, तेरे साथ भी तो बनाए मैंने, वैसे भी बीच में मैं जो जॉब भी कर रहा था। इतने सारी चीजों के बीच में पढ़ाई कब करूं यार? क्लास के बच्चे तो बोलते हैं कि भाई तू पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तू फोन नहीं उठा रहा है हमारे। उनको क्या पता, वीडियो बनाने के लिए जो है मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर डाल के जो है रखना पड़ता है। भाई तेरे ऊपर विश्वास करता था मैं, तू भी ऐसे ही बोल रहा है। क्या यार ऐसे तूने धोखा किया यार, दिल दुखा दिया भाई तूने मेरा। क्या बोला तू? यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, काम कर रहा था, क्रिकेट टूर्नामेंट देख रहा था। क्या क्रिकेट टूर्नामेंट में तू जाकर बैटिंग कर रहा था क्या? वो अंपायर जैसा आधी उंगली कर को खड़ी कर वो ठहरा था वहाँ, ट्राइपॉड पर मस्त मोबाइल लगा को बैठा था, आराम से अभ्यास करते। मैं क्या देखा नहीं कहता है बे, झूठे। और उसके साथ साथ उसके मामू का दुकान है, वो जब दुकान में काम करते करको बोलते वहाँ निवांत काम करते करते अभ्यास करे ला। कुछ भी बोलते वहाँ दुकान के कामगार जब पूछो, बरोबर बोलते हो बादशाह भाई, अभ्यास करेंगे नहीं करे तो? झूठा, अभ्यास नहीं करा करते, अभ्यास नहीं करे तो जितने अच्छे यूनिट टेस्ट में मार्का मिलते तुझे। डरने वाला हूँ मैं, मुझे टेंशन आने के। झूठा, ओए सुन, कितना ज्यादा टेंशन आने वाला है मंडे के दिन पेपर देखने के बाद, रुक मैं तुझे बयान करता हूँ, आप लोग भी सुनो। मेरे एग्जाम पेपर तुझे पहली नजर, जब मैंने देखा डर ही गया। मेरे एग्जाम पेपर तुझे पहली नजर, जब मैंने देखा तो डर ही गया, जब मैंने देखा तो डर ही गया, पसीना आ गया, टेंशन छा गया, पसीना आ गया, टेंशन छा गया, चीख दिल से वो आई सब डर गए। मेरे एग्जाम पेपर तुझे पहली नजर, जब मैंने देखा तो रो ही पड़ा। मेरे एग्जाम पेपर तुझे पहली नजर, मैंने जब देखा तो डर ही गया, मैंने जब देखा तो डर ही गया। क्या भाई इतना ज्यादा टेंशन आ रहा है तेरे को? अरे भाई, वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अवर फ्यूचर, वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अवर फ्यूचर। ये बात ध्यान में डाल ले, दिमाग में डाल ले भाई, दिमाग में डाल ले, टेंशन लेता है कुछ भी है। परेशानी पर हंसो हमारे, परेशानी पर हंसो, टेंशन पर हंसो हमारे, जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तब मैं भी ऐसे ही हंसूंगा भाई, ऐसे ही हंसूंगा मैं। और 1 मिनट रुक, ये डायलॉग कहाँ से सुना है मैंने, कहाँ सुना है भाई ये डायलॉग? अरे ये तो डायलॉग बीबी की वाइंस में के बनछोड़ दास का है। मैं कुछ तो ओरिजिनल कर रहे, कहाँ से तू सुन के आके मुझे बोल रहा है? कॉपी साला, कॉपी करता है।
और उसके आगे ये बात तुमने भूलना भूल गए तुम, दीदी भाई ने ये कहा था ऑन रिजल्ट डे अवर पेरेंट्स कैन इजीली ब्रेक अवर चूतड़। कुछ भी बोलता है भाई, तू तो कॉपी करके लिखता है यार, इसलिए तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मेहनत करके लिखना पड़ता है ना। कॉपी साला। रुकिए 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 रुकिए, वीडियो यहीं पर खत्म नहीं हुआ। बादशाह और रमेश की बकवास जो है अभी चालू रहेगी, लेकिन दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, दूसरे पार्ट में जो है और ज्यादा ये बकवास करेंगे, जिस बकवास को सुन के आप लोग और ज्यादा हंसेंगे। तो फिर इस वीडियो को पूरी देखने के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।